IPS को 5 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 5 साल कबल बुज़दिल दहशतगर्दों ने APS के मासूम बच्चों के खून की ऐसी होली खेली कि पूरी दुनिया के दिल छलनी हो गए। लहू से जले इल्म के चराग आज भी रोशन, अपने प्यारों और लगते जिगर को खोने वालों के हौसले बुलंद। ये 5 साल जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत एक अजीब सा साल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, और मैं कह रही हूँ कि वो तकलीफ मतलब कभी भी मतलब हम नहीं भूल सकते। मेरे सारे राज, मेरी बातें, वो मेरी सहेली भी थी और मेरा बेटा भी था, वो मेरा सब कुछ था। उसके साथ मैं हर बात शेयर करती थी, वो हर दिल की बात मैं उससे करती थी। होशियार और बहुत होनहार बच्चा था, काबिल था। मैं उसको कहती थी कि आप मेहनत करो, नाम बनाओ, तो वो कहता था मामा नाम को क्या करती हैं, नाम आप एक दुनिया हमारा नाम लेगी। और वही हुआ कि उन्होंने नाम कमा लिया। इस कमी का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। ये हमारे लिए ये गम उसी तरीके से ताज़ा है जैसे ये भी कल हुआ है ये वाकया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बहरीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बहरीन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां, बहरीन के शाहराहें चौराहों को पाकिस्तानी परचम से सजा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहरीन का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। सेंटर लेंजर ग्राहम की क़यादत में अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द का इस्तकबाल अमरीकी सफीर और दफ्तर खारिजा के हुक्काम ने नूर खान एयरबेस पर किया। वफ्द वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज, साबिक सदर के चंद टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई। टेस्ट के बाद एंजियोप्लास्टी का फैसला किया जाएगा, डॉक्टर्स का कुछ रोज निगरानी में रखने का फैसला। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 उसूलों को साधने की चढ़ना है, और आपने ये मैसेज, ये पार्टी के पैगाम घर घर तक पहुंचाना है, हर जियाला तक पहुंचाना है। जो घर पे बैठे हुए हैं, सियासत से दूर हुए हैं, उनको फिर से हमें रिएक्टिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमने निकलना है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जो वादा किया था वो वादा निभाना है। हमने वो मिशन जो नाम मुकम्मल है वो मिशन को मुकम्मल करना पड़ेगा। फैसला कर लिया है, हम फिर पिंडी आ रहे हैं। लियाकत बाग से पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, हमें कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं, हमारे लिए सिर्फ आवाम की मर्जी चल सकती है, किसी अंपायर की उंगली नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में कारकुनों से खिताब, कहा मिलकर कठपुतलियों का राज खत्म करना है, अवामी राज कायम करेंगे। ये समझते हैं कि बेनजीर के बेटे को डरा सकते हैं तो ये उनकी भूल है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद करने वाले वकील की शनाख्त हो गई लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद करने वाला वकील अब्दुल माजिद हरबंसपुरा का रिहायशी है जो घर को ताले लगाकर फरार हो गया। लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बाद ट्रैफिक मुतासर रही। लाहौर में शहरी पर पिस्तौल तानकर लातें मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार, अकील मिर्जा निजी बैंक का मुलाजिम है, महंगी गाड़ी चला रहा था, मामूली हादसे पर मोटरसाइकिल सवार को तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस ने पीटने वाले को भी ढूंढ निकाला। बांकपोरा के रिहायशी की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेल के उन ड्रमों से जो है वो ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट होने के बाद जो है वो आग जो है पूरे लांचों में लग गई। अब तक जो है 8 से 10 लांचे जो है वो बिल्कुल खाक हो चुकी हैं।
कराची में एक और बड़ी आग, फिश हार्बर के करीब होटल में आग लग गई। करोड़ों रुपए मालियत की 10 लॉन्चें जल गईं। हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाक बहरिया केपीटी और फायर ब्रिगेड के 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरकार के मुतनाज़े शहरियत बिल के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े। नई दिल्ली में मुजाहरीन ने 3 बसों और मुतादिद मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। पुलिस के मुजाहरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। हंगामे में फायर ब्रिगेड के 2 अहलकार और 6 पुलिस अहलकार जख्मी। एशियाई पार्लियामानी इजलास में सेनेटर सैफ की जानिब से कश्मीरियों और मुसलमानों पर मोदी सरकार के मजालिम का पर्दाचाक करने पर भारतीय वक्त सीखा। तकरीर में रुकावट बनने की कोशिश की तो सेनेटर सैफ ने भारतीय वक्त को खरी खरी सुना दी। पार्लियामेंटेरियन बनी मोदी ना बने, जवाब के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील हुए 134 दिन हो गए। जबरी पाबंदियों के बाद कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। बैरूनी दुनिया से राबता मुनकता, आलमी बरादरी खामोश। मुल्क के बाले इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के शुमाली और वस्ते अजला में बारिश और वक्फे से बर्फबारी। मरी में 3 रोज से जारी बर्फबारी ना थम सकी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। तुर्क सदर ने अमरीका को मजीद पाबंदियां लगाने से खबरदार कर दिया। तैयब उर्दुगान का कहना है कि अगर तुर्की पर मजीद पाबंदियां लगाई गईं तो अमरीका और नेटो के जेर इस्तेमाल एयरबेस बंद कर देंगे। अदाना के हवाई अड्डे को भी बंद किया जा सकता है। That's a nice wife. Gets 100 on Test match debut. और पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट कौमी क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। श्रीलंकन टीम आज कराची पहुंचेगी। दोनों टीम्स आज आराम, कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। रावलपिंडी का टेस्ट ड्रा हो गया मगर तारीख रकम हो गई। आबिद अली वनडे और टेस्ट में डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।